हाँ न्यू चैप्टर करवा रहे हैं, चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी। वैसे मैं अपलोड भी कर दूंगा इस लेक्चर को, अगर किसी का मिस हो जाए तो वहाँ भी देख सकता ही होगी। देखो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है कि आप कोई भी एक ग्राफ बनाओ, ठीक है, जैसे आपने क्या किया, कोई एक ग्राफ बनाया। अब उस ग्राफ को बनाने के लिए अगर आपको अपना पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, संस्कारम मिरर पर आपको ये वीडियो मिलेंगे। संस्कारम मिरर और संस्कारम वीडियो लेक्चर, मैं लिंक भेजता रहूंगा ग्रुप में। जैसे आज क्लास ली तो उसका लिंक भेज दिया, कल क्लास ली उसका लिंक भेज दिया, डेली का डेली लिंक भेज दूंगा क्लास, उसमें ग्रुप में लिंक भेज दूंगा। हाँ तो देखो आप कोई भी ग्राफ बनाओ, जैसे मैंने क्या किया, मेरा ये ग्राफ बनाया ऐसे। इस ग्राफ को बनाने के लिए मुझे पेन को उठाना नहीं पड़ा, बस मैं ऐसे चलता गया चलता गया। ये मेरा पेन है, मैंने ऐसे इसको ऐसे 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 चलाता गया, मेरे को पेन को उठाना नहीं पड़ा। अब एक और ग्राफ बनाऊं मैं, देखो ऐसे, अब इस दूसरे वाले ग्राफ को, ये था फर्स्ट ग्राफ, ये था सेकंड ग्राफ। अभी ये सेकंड जो ग्राफ है इसको बनाने के लिए मुझे अपने पेन को एक बार मैंने ऐसे ले गया, फिर ऐसे लाया, उसके बाद मेरे को पेन उठाया नीचे आया, यानी मेरे को पेन को उठाने की जरूरत पड़ी सेकंड ग्राफ। तो सेकंड ग्राफ जो है ये वाला ग्राफ, पॉइंट पर ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं, मतलब क्या रहा, मतलब इतना है, अगर आपको ग्राफ बनाने की, अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए अपने पेन को उठाना पड़े तब तो वो सुहानी तेरा माइक कौन है, कर दिया म्यूट कर दिया, पर म्यूट करने के बावजूद भी वॉइस आ जाती है। अब भी सबको म्यूट कर रखा है, म्यूट ऑल, फिर भी बीच बीच में पता नहीं कैसे अनम्यूट हो जाते हैं। बार बार करना पड़ता है क्या म्यूट? ठीक है आप पढ़ा रहे हैं बेटा, हाँ देखो मैंने जब ग्राफ बनाया, अगर ग्राफ बनाते समय मेरे को पेन उठाना नहीं पड़ा तो इसका मतलब वो तो क्या हुआ, कंटिन्यूस, सिंपल सा लॉजिक। अगर मेरे को ग्राफ बनाने में अपने पेन को नोटबुक से एक बार उठाना पड़ा तो फिर वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, कोई महाभारत नहीं, कुछ नहीं, एक सिंपल कॉन्सेप्ट। ग्राफ बनाने में अगर पेन को उठाना पड़ा तब तो वो क्या हुआ, डिसकंटिन्यूस, और अगर ऐसे ही ग्राफ बनाते गए तब तो वो डिसकंटिन्यूस। उल्टा बोल गया शायद मैं, जैसे साइन का ग्राफ बनाऊं, देखो अब मैं ये मैं अब बना रहा हूँ इधर साइन का ग्राफ, देखो ऐसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अब मैं ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, देखो कहीं पर भी मेरे को पेन को उठाना नहीं पड़ा, चलता जा रहा है ना ग्राफ ऐसे, ऐसे चलता जाएगा, सेम इस साइड में भी चलता जाएगा ऐसे। अब लेकिन 10 का ग्राफ देखो जरा, 10 का ग्राफ बनाया मैंने ये ऐसे, अब मेरे को पेन उठाना पड़ा क्योंकि ये यहाँ पर तो बनेगा नहीं, ये पाई अपॉन 2 पे ब्रेक हो गया, क्योंकि पाई अपॉन 2 के बाद ऐसे। तो ये क्या, ये इस पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो ये डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट,
जबकि ये क्या था, ये कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या मतलब है। अब आप क्या करो, रफ नोटबुक हो अगर आपके पास इस वक्त, तो उसमें जाओ और उसमें ये देखो, कोई भी ग्राफ बनाओ, अगर आपका ग्राफ ऐसे कंटिन्यू बनता गया तब तो वो कंटिन्यूस, अगर ग्राफ बनाने में आपको पेन को उठाना पड़ गया तब वो डिसकंटिन्यूस। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? बोलो फटाफट। ओके चलो, ये तो हुआ बेसिक चीज। क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व होंगे नहीं ना। अब पढ़ते हैं इसको मैथमेटिकली, कि मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अब मैथमेटिकली कैसे पता लगेगा कि किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। इसके लिए देखो, सबसे पहली बात तो एक लिमिट आनी चाहिए आपको, लिमिट लिमिट जो आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई ना, वो चैप्टर आना चाहिए। तो देखो यहाँ मैं लिखा, ए फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, इफ फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, इफ एफ पे इसके इक्वल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, यानी एफ ए की वैल्यू इस लिमिट के इक्वल, और कोई लिमिट, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या था, लिमिट का मतलब था उस पॉइंट पर लेफ्ट साइड से जाएं हम और राइट साइड से जाएं तो ए की वैल्यू आए। अरे सतीश बनियान में बैठा है, क्या हुआ था, शक्ल दिखा के भाग गया? अरे जो तुम अपनी शक्लें दिखा रहे हो, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अब तुम्हें, अब जैसे सतीश आया बीच में है, अब वो जब मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो उस वो भी आ जाएगा बीच में। अब बताओ। हाँ बेटा, तेरी शक्ल आएगी, तू बनियान में बैठा था वो आएगी, अब यूट्यूब पे जब अपलोड करूंगा तो। इसलिए पहले अपना माइक और ये क्या बोलते हैं, वीडियो ऑफ किया करो और फिर पढ़ने बैठा करो। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि लिमिट इक्वल, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब उस पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल। अब इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एक्स, यानी एफ ए ये कौन था, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू, और ये राइट हैंड लिमिट एट एक्स। तो कोई फंक्शन, अब आपको ये चीज याद रखनी है, कोई फंक्शन किसी एक पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, उस पर कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब उस पॉइंट पर, जब उस पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, देखो ये तो है वैल्यू एफ ए, ये है लेफ्ट लिमिट, ये है राइट, ये तीन चीजें अगर इक्वल आती है किसी पॉइंट पे तो दैट मीन्स उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। इज दैट क्लियर? ये बात तो समझ में आ गई होगी सब। ठीक है, अब जैसे मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो
जैसे ये तो है x इक्वल टू ए, ये वाला इसमें यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू बी, ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू सी, दिस पॉइंट x इक्वल टू डी एंड दिस पॉइंट x इक्वल टू। अब हमें डिस्कस जो करना है वो करना है, ये एक एग्जाम्पल है ठीक है, कि एक तो इस पॉइंट एट एक्स इक्वल टू बी इस पॉइंट पर ठीक है, इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बी पॉइंट पे देखो आप ध्यान से, बी पॉइंट पे अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं, बी पॉइंट पे देखो ये ग्राफ बना रखा है मैंने, इस पॉइंट पे मैं अगर बी कहूं कि बी पे बताओ बी पे वैल्यू क्या है, तो बी पे वैल्यू तो यहाँ है ये ठीक है, और बी पर अगर मैं लेफ्ट साइड से जाऊं, लेफ्ट साइड से जाऊंगा तो किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पहुंचूंगा, और बी पर अगर मैं राइट साइड से जाऊं, राइट साइड से जाऊं तो मैं इस पॉइंट पर पहुंचूंगा यहाँ, तो बी बी पर एफ ए और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस। फिर सेम सी पे देखो कि एट एक्स इक्वल टू सी, इस पे बात करें हम, ये सी पॉइंट है, सी पे वैल्यू तो यहां पर है, सी पे अगर मैं लेफ्ट साइड से जाऊं तो इसी पॉइंट पे आऊंगा, सी पे अगर मैं राइट साइड से जाऊं तो मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, तो इसमें भी एफ ए और लेफ्ट लिमिट तो इक्वल बट राइट लिमिट के इक्वल, इसमें भी ये क्या हुआ डिसकॉन्टिन्यूअस। अब एक्स इक्वल टू डी पॉइंट की बात करें, डी पॉइंट पे देखो यहां वैल्यू है ये है ना, ये सी था, सी सी ये बी, बी पे वैल्यू थी ना, देखो सी डी पे वैल्यू तो यहाँ है, मैं लेफ्ट से जाऊं तो भी इसी पॉइंट पे पहुंचूंगा और अगर मैं राइट से जाऊं तो भी मैं इसी पॉइंट पर पहुंचूंगा, एक ही तो पॉइंट है जहां पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब एफ डी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड, तो यानी इस पे क्या है कॉन्टिन्यूस। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो योगेश का ध्यान कौन है, अरे हाँ मैं बोल नहीं रहा, मैं वीडियो पढ़ रहा हूँ आपके, इसमें एमयू के बता अथेरियम शर्शम है, अथेरियम शर्शम के हरी हो सर। अच्छा रॉन्ग मैसेज हो गया पक्का, किया गया तो ठीक है, ओके चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो देखो मैं जो बता रहा था ये चीज थी कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट साइड से जाओ और राइट साइड से जाओ अगर एक ही पॉइंट पे पहुंच रहे हो तो इसका मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट कर, अलग अलग पॉइंट पे पहुंच रहे हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं। आप ध्यान से देखो अगर हम बिना लिमिट के भी बताएं, सपोज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, स्टार्टिंग में बताया था
कि ग्राफ बनाने के लिए अगर पेन को उठाना पड़े तब तो डिसकॉन्टिन्यूस, अगर पेन को उठाना ना पड़े तो कॉन्टिन्यूस। तो आप देखो बी जो पॉइंट है, बी वाला कौन सा पॉइंट, कलर चेंज कर लेते हैं, देखो ये वाला पॉइंट बी वाला, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे देखो अगर मैंने ग्राफ ऐसे गया और फिर मेरे को पेन उठा के यहाँ पर आना पड़ा, देखो यानी बी पॉइंट पे क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस। फिर ये ग्राफ ऐसे चला, ऐसे देखो यहाँ तक गया, फिर मेरे को पेन उठा के यहाँ जाना पड़ा, तो इसका मतलब सी पर भी डिसकॉन्टिन्यूस। फिर चले आगे, यहाँ से मैं गया इधर ऐसे और फिर मैं नीचे आ गया, तो देखो इस पॉइंट पे तो मेरे को उठाना ही नहीं पड़ा पेन, तो यहाँ पर क्या आया था, कॉन्टिन्यूस। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, किसी को इतने में किसी को कोई दिक्कत, आवाज आ रही है सभी को, समझ आ गया ना इतना। तो ये है लिमिट का कॉन्सेप्ट, कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर, सॉरी लिमिट का नहीं कॉन्टिन्यूटी का, अब देखो कॉन्टिन्यूटी में लिमिट भी इन्वॉल्व है, एक्चुअल में तो हमें लिमिट ही तो फाइंड करनी है, ये लिमिट निकालो ये वाली, अगर ये इसके इक्वलेंट है, अगर ये लिमिट इसके इक्वलेंट आ गई, उस यानी लिमिट उस पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल है, तब तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर वो लिमिट उस पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, अब मैं क्लियर कर रहा हूं स्क्रीन, ओके। अब देखो अब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कैसे, अभी तक हमने किस कॉन्टिन्यूटी की बात कहाँ करी, किसी एक पॉइंट पर बात करी, तो हमसे ये पूछा जाएगा, इतने इतने के बेस पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इतने के बेस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि ये इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ये चेक करके बताओ, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं थोड़ा सा क्लियर हो जाए, जैसे एफ एक्स हमें ये दिए, एक्स प्लस टू उनमें एक्स माइनस वन, एक्स इक्वल टू, एक्स नॉट इक्वल टू, थोड़ा सा साफ फंक्शन दूसरा लेते, जैसे एक्स माइनस टू, एक्स इक्वल टू और एक्स प्लस वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू और एक्स लेस देन, चेक एट एक्स इक्वल टू टू एफ एक्स एज कॉन्टिन्यूस और नो, कि ये पूछा कि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू टू पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अब देखो पहले मैं बता रहा हूं बोर्ड में करने का तरीका, अगर आपको इसको बोर्ड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एफ टू निकालेंगे, एफ टू, एफ टू यानी एक्स की जगह टू रखें, टू पे इक्वल ऊपर वाले में इसमें पुट किया जाएगा एक्स की जगह टू, तो यहाँ लिखा टू माइनस टू यानी जी। अब कोई भी एक लिमिट निकालो पहले, चाहो तो लेफ्ट चाहो तो राइट, जैसे मैंने निकाली राइट हैंड, राइट हैंड लिमिट निकालने का प्रोसीजर कि लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, टू के ऊपर लिखा प्लस, फिर एफ, फिर लिखेंगे एक्स इक्वल टू टू प्लस एच, ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ
प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन में एक्स की जगह टू प्लस एच रखें, टू प्लस एच किस में आएगा, इसमें आएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू टू से ज्यादा है, तो ये टू प्लस एच माइनस टू, टू से टू कैंसिल हो गया, एच की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो आंसर आ गया, यानी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है, जीरो ही आ रही है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखा देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू माइनस एफ एक्स, फिर लिखा पुट एक्स इक्वल टू टू माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फिर एफ, फिर टू माइनस एच। देखो ये लिखने का प्रोसीजर है बेटा, अगर बोर्ड में नंबर पूरे चाहिए तो ऐसे लिखना पड़ेगा, टू से लेस, टू से लेस देखो ये वाला फंक्शन है, टू से लेस में ये वाला फंक्शन यूज होगा, यहां लिखा टू माइनस एच फिर प्लस वन, एच की जगह जीरो रखेंगे टू प्लस वन थ्री, तो देखो एफ टू इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड, कि एफ टू जीरो आया, राइट हैंड लिमिट जीरो आई, दोनों इक्वल लेकिन लेफ्ट लिमिट थ्री आई, इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू टू एफ एक्स इज इस कॉन्टिन्यूस, किसी को कोई डाउट इसमें बोलो। अब ये तो मैंने बताया इसके लिए, अब बोर्ड के लिए तो ऐसे लिखना पड़ेगा भाई पूरा, अगर बोर्ड में नंबर चाहिए पूरे तो इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। अब बताते हैं कंपटीशन में कैसे करना, कंपटीशन में देखो हमने ऐसे लिखा एट एक्स इक्वल टू, आपने माइनस टू क्यों कर दिया, रिपीट करना सर, ये लिमिट किस पे निकाल रहे हैं हम, टू पे, देखो लेफ्ट लिमिट जैसे x इक्वल टू टू पे निकालनी ना, तो राइट लिमिट तो के लिए तो आगे जाना पड़ेगा, टू प्लस एच रखना पड़ेगा राइट के लिए, टू प्लस एच, लेफ्ट लिमिट के लिए टू से थोड़ा सा पहले यानी टू माइनस एच रखना पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई, ये लिमिट में पढ़ाया था इलेवंथ क्लास में, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेना अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो, कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट कैसे निकालते थे। हाँ अब बता रहा हूँ मैं एनडीए वालों के लिए, ऐसे नहीं करना इतना बड़ा ये सब नहीं करना, सिंपल तीन चीजें निकालनी हमें इससे, एक एफ टू, एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। एफ टू देखो इससे मिल जाएगा सबसे, एफ टू इसमें क्या करो टू पुट कर दो, एफ टू तो आ गया टू माइनस टू यानी जी। अब निकाल लेते हैं लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट देखो टू से थोड़ा सा लेस, ये इसमें x लेस देन टू, टू टू से लेस में ये फंक्शन है, इसमें x की जगह क्या पुट कर दो टू पुट कर दो, तो टू प्लस वन यानी थ्री, तो f2 तो आया जीरो और लेफ्ट लिमिट आई थ्री, तो बस यहीं से पता लग गया कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ना सब नहीं लिखना ये सब, हाँ एनडीए वालों को जब बोर्ड का एग्जाम देना है तो ऐसे ही लिखना है, ये ध्यान रखना, बोर्ड में इस टाइप से लिखोगे तो नंबर मिलेंगे पुट, वरना आंसर तो क्वेश्चन को देख के मुंह जबानी भी दे सकते हैं। देखो कैसे, टू से ज्यादा है तो ये, तो इसमें टू रख दो टू माइनस टू यानी जीरो आ गया, टू से लेस में ये है तो इसमें टू रख दो टू प्लस वन यानी थ्री आ गया, यही मिल गया आंसर को, तो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन बोर्ड वालों को तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई हाँ तुमको आता है पूरा, कोई डाउट इतने में बोलो। समझ में आ गया इतना सबको, तो एक क्वेश्चन कराया है किसी एक पॉइंट पे कैसे चेक करना है उसके लिए, ठीक है, कि किसी भी एक पॉइंट पर लिमिट कॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इतने
कितने के लोग प्रेजेंट है, मैं एक बार उनका स्क्रीनशॉट ले लूं अटेंडेंस का। हाँ क्लास है कितने बजे तक? ऐसा तो नहीं क्लास ओवर हो, ज्यादा होगी 9:40 से। दस बीस तक है, ठीक है। हाँ इसमें ये तो सभी को क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अब स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। कर दूँ स्क्रीन क्लियर? ठीक है, अब देखो ये तो मैंने बताया कि किसी एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी को कैसे चेक करें। अब इससे आगे बढ़ें थोड़ा सा, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन कि फाइंड के इफ fx एज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 और फंक्शन है x-1, x<0, 2x+2+x²-3, ये x<= टू, यहाँ है एक्स माइनस, ये क्वेश्चन। अब इस बार ऐसे कहा कि फंक्शन, यानी कहा कि कॉन्टिन्यूटी चेक करो, इस बार कहा कि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है, तो इसमें एक अननोन है, अननोन कौन है? के, उस के की वैल्यू क्या हो? इस बार ये उसका रिवर्स क्वेश्चन है, तो दो तरह के क्वेश्चन पूछेंगे हमसे एक पॉइंट के लिए। इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने F0 निकाला, F0 किससे मिलेगा हमें? सेकंड वाले से मिलेगा, इसमें है x=0, इस पूरे में x की जगह 0 पुट कर दें, 2+0²-3F0=2, ठीक है। फिर अब निकालते हैं हम, अब कोई भी एक लिमिट निकालो, या तो लेफ्ट या राइट, लेकिन आप वैसे तो कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा काम करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट वे शो करो, ताकि आप ये पता चले कि आप थोड़े स्मार्ट, ज़्यादा काम ना करना पड़े हमें। देखो अगर मैं राइट लिमिट निकालूँ, राइट तो किससे मिलेगी मुझे? इस वाले फंक्शन से मिलेगी। राइट लिमिट का मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा इस वाले में, इसमें मैं एक्स की जगह 0 पुट करूंगा तो यही 2 आ जाएगा, तो 2=2 कर देंगे तो कोई फायदा ही नहीं हो। यानी वो लिमिट निकालो जिसमें ये वाला फंक्शन आए, ये वाला किसमें आएगा? 0 से लेस, यानी लेफ्ट लिमिट। अब मैंने निकाली लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने लिखा लिमिट x→0 माइनस फिर fx, ठीक है। हाँ सही है भाविंदर, जरा फिर लिखा पुट x=0-x, तो यहाँ लिख दिया लिमिट h→0 फिर f0-h, अब आते हैं देखो आगे, लिमिट h→0, अब एक्स की जगह 0-h रखूं मैं, इस वाले में रखूंगा, इसमें देखो यहाँ बनेगा 0-h-k। अब एच की जगह 0 रख दूंगा तो
माइनस का के बचा। अब बिकॉज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, सो एफ जीरो किसके इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होना। एफ जीरो की वैल्यू तो टू है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, माइनस का। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आप, किसी को इसमें कोई डाउट? माइक कौन है, किसका माइक कौन है भाई? अब अभी तो ऑफ है सबके। समझ में आ गया सबको? मैंने दो तरह के क्वेश्चन बताए हैं आपको, एक तो आपको कि ये पॉइंट दिया कि इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ये चेक करके बताओ कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तब हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, उस पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, उस पॉइंट पे राइट लिमिट निकालेंगे, ठीक है। और दूसरी तरह क्वेश्चन कि कोई अननोन पूछा जाएगा और कहेंगे कि कॉन्टिन्यूस ये ऑलरेडी है, तब आपको क्या करना है, तब आपको एक तो एफ ए निकालना है उस पॉइंट पे वैल्यू, और एक ऐसी लिमिट निकालनी है जिसमें वो अननोन आए, या ठीक है, ताकि डायरेक्ट वैल्यू निकल जाए। इतने में किसी को कोई दिक्कत, बोलो। सभी को क्लियर है? कपिल, अंशिका, अंशु, आशीष, भविंदर, दीपांशी, दीपांशु, खुशबू, मनमोहन, नैन्सी, प्रियंका, सतीश, तनु, ठीक है। रिपीट करते हैं एक बार, देखो क्वेश्चन में ये कहा था, रिपीट कर रहा हूँ, अब मैं कलर चेंज करके रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये गिवन था, देखो ये फाइंड के इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन है। सबसे पहले तो एफ जीरो निकाला, क्योंकि जीरो पे कहा इसलिए एफ जीरो निकाला, तो एफ जीरो की वैल्यू तो इससे मिल गई, इसमें जीरो पुट कर दिया पूरे में। फिर हमने लेफ्ट लिमिट निकाली, लेफ्ट लिमिट का मतलब जीरो से लेस, जीरो से लेस में ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो इस पूरे फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट कर दो, जीरो माइनस एच माइनस, ये आ गया जीरो माइनस एच की जगह जीरो रखा तो ये लेफ्ट लिमिट आ गई माइनस। अब क्योंकि क्वेश्चन